हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम लेंस। देखो लेंस क्या होता है, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस ऑफ विच वन और बोथ सरफेसेस आर स्फेरिकल। देखो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है ये तो आपको पता है, क्यों? क्योंकि आपने लेंसेज देखे हैं जो स्पेक्स में लगे होते हैं आपके लेंसेज, वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ये सभी को पता है आपको, क्योंकि तभी तो उसमें से लाइट पास करती है और तभी आप उसमें से जो है देख सकते हो चीज़ों को, या नहीं? तो ये तो आपको पता चल गया कि ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। लेकिन ये जो बात बोल रहा है कि बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, दो सरफेस होते हैं उसके, ऑफ विच वन और बोथ सरफेस आर स्फेरिकल, जिसमें से एक या फिर दोनों सरफेस क्या रहते हैं, स्फेरिकल। इस बात को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब मैं ये कन्वेक्स और कनकेव आपको बताऊंगा, ठीक है। फिर दोबारा से इस डेफिनेशन पे आएंगे कि ये क्या कह रहा है। तो लेंस हमारे पास दो टाइप के होते हैं, लेंसेज आर ऑफ टू टाइप्स, कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं और कनकेव लेंस को हम डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। क्या क्लियर है इतनी बात? कन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। कन्वेक्स लेंस में क्या कह रहा है, अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर एंड थिनर एट इट्स एंड्स। तो देखो कन्वेक्स लेंस होता किस तरीके से है, जैसे मैं बनाऊँ इसमें, ये हो गया आपके पास एक कन्वेक्स लेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। क्या नाम हो गया इसका, डबल कन्वेक्स लेंस। कितनी बात क्लियर है? देखो डबल कन्वेक्स लेंस क्यों, देखो आपको शेप्स पता ही है कन्वेक्स की कैसे बनती है। अगर हम इस साइड से देख रहे हैं तो कन्वेक्स ऐसा बनता है, ठीक है, और अगर इस साइड से हम देख रहे हैं तो कनकेव कैसा बनता है, ऐसा बनता है, ठीक। अब जैसे मान लो इस साइड से आप देख रहे हो, इस साइड से ये कन्वेक्स है, अब अगर इस साइड से आप देख रहे हो तो ये कनकेव है, ठीक है। अब हमें लेकिन इस साइड से दूसरा सरफेस बनाना है, क्योंकि इस साइड से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस साइड से अगर हम देखेंगे तो कन्वेक्स ही बनाना है हमें, तो कन्वेक्स ऐसे बन जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? सिंपल है कहानी। देखो इधर से भी देख रहे हो तो कन्वेक्स दिख रहा है, उभरा हुआ दिख रहा है, और इस साइड से भी देखोगे तो ये कन्वेक्स ही दिख रहा है दूसरा सरफेस इसका, ठीक है। तो ये तो हो गई जिसमें दोनों सरफेस ही क्या है इसके, स्फेरिकल है। इधर वाला भी कन्वेक्स है और इधर वाला भी कन्वेक्स है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? ये तो आपको पता है ना ये बनते किस तरीके से हैं। जैसे मैंने ये वाला बनाया आपके पास, ठीक है, तो इधर से ये एक स्फीयर बनेगा आपके पास, ठीक है, और इधर से ये एक स्फीयर बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? सर्कल नहीं है ये, स्फीयर है, जैसे एक फुटबॉल होती है, ठीक है ना, उस तरीके से। क्योंकि जैसे ये हमने बनाया इस तरीके से, ठीक है, आप इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे ये मेरे हैंड्स हैं इस तरीके से, ठीक है। एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, समझ रहे हो? ये पोर्शन जो है हमने जो दिखाया हुआ वो ऊपर ऊपर वाला पार्ट दिखाया हुआ है, ये चीज़, ठीक है ना। लेकिन है कैसा ये, क्योंकि अगर ये स्फीयर है, ऑब्वियसली बात है, स्फीयर में से हम इस साइड से एक पार्ट काट देंगे वो ऐसा कट गया, ठीक है ना, ये वाली चीज़ पूरी की पूरी दिख रही है, और ये वाला जो स्फीयर है इसमें से ये वाला पार्ट कट गया, तो ये वाला ऐसे बन गया, तो ये दोनों ऐसे जुड़ गए, समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से बनते हैं ये लेंस। अब ये एक तो हो गया ये आपके पास डबल कन्वेक्स लेंस, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है आपके पास, ये आपने टेंथ में भी किए हुए हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपके पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस। देखो प्लेनो कन्वेक्स लेंस कैसा, एक साइड इस साइड से हम देख रहे हैं तो ये कैसा है, प्लेन है, कैसा हो गया ये, प्लेन, ठीक है। और अगर इस साइड से हम देखते हैं तो ये कैसा दिखना चाहिए हमें, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स कैसा दिखेगा इस साइड से, इस तरीके से, तो ये देखो ये क्या बन गया हमारे पास, प्लेनो कन्वेक्स। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है कनकेवो, कनकेवो कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कनकेवो इस साइड से देखने पे ये कैसा दिखना चाहिए हमें, कनकेव, तो कनकेव ऐसा दिखेगा, समझ रहे हो। इस साइड से देखेंगे तो हमें कनकेव दिख रहा है, ये देखो केव टाइप लग रहा है, और इस साइड से दिखने पे ये हमें कैसा दिखना चाहिए, कन्वेक्स। तो कन्वेक्स कैसे दिखेगा, देखो इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, कन्वेक्स, ठीक है, कनकेवो कन्वेक्स। इस साइड से देखने पे कनकेव और इस साइड से देखने पे कन्वेक्स। तो जो मैं पहले लिख रहा हूँ कनकेव, वो इस साइड से देखना है, और जो दूसरा दिख रहा है वो हमें इस साइड से देखना है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, समझ में आया? अब ये डेफिनेशन अगर आप समझ रहे हो, इसको देखो जरा, अ लेंस विच इज थिकर एट द सेंटर। देख लो ये लेंस क्या है, थिकर है, सेंटर से क्या हो रहा है, थिक, और थिनर एट इट्स एंड्स, और एंड्स से देख लो क्या है ये, थिनर है, एंड्स से क्या है ये, थिन लग रहा है हमें। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? अब देखो ये हमने पढ़ा था कि कन्वेक्स लेंस कैसा है, कन्वर्जिंग लेंस भी है, ठीक है। और जो नॉर्मल कन्वेक्स लेंस वो यूज़ होता है वो हमारे पास ये डबल कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है, जो हम नॉर्मल बोलेंगे ना कन्वेक्स लेंस, तो ये डबल वाला ही बनाएंगे हमेशा, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस कैसे है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो ये मैंने जैसे बनाया आपके पास कन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और ये इसका क्या हो गया, सेंटर। देखो अब ये कन्वर्जिंग लेंस है, तो कन्वर्जिंग लेंस में देखो अगर हमारे पास पैरेलल रेज आती हैं किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, रेज आर पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो कहाँ पर मीट करती हैं आपके पास, फोकस से। तो जैसे मान लीजिए ये क्या हो गया, इस पर आपके पास फोकस हो गया, ठीक है, तो फोकस पे मीट कर रही हैं, और यहाँ से ये एक पैरेलल रे गई तो ये भी कहाँ से मीट करेगी आपके पास, यहाँ पर इस फोकस से। क्या इतनी बात क्लियर है नहीं है? तो ये कैसा लेंस हो गया, कन्वर्जिंग, जो कि लाइट को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक पॉइंट पे।
और वैसे भी आपको रूल पता है, अगर क्लास टेंथ में आपने रे डायग्राम्स करें तो उनके रूल्स भी थे हमारे पास, क्या कि पैरेलल रेज जाती हैं वो कहाँ से पास होंगी, फोकस से पास होंगी। ठीक है, तो ये कैसा है हमारे पास, कन्वर्जिंग लेंस। तो हम इसको बोल देते हैं यहाँ पर कन्वेक्स बोलते हैं, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आसान सी बात है। ठीक है, ऐसे ही कनकेव लेंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा एक बार ये बता देता हूँ ये डेफिनेशन भी, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो रही होगी आपको कि जो ये बोलते हैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू सर्फेस। देख लो दो सर्फेस हैं, एक इधर से और एक इधर से, किसी में भी देख लो आप, ठीक है, और जिसमें से वो कहता है विच सर्फेस ऑफ विच वन और वो सर्फेस आर स्फेरिकल। जैसे इसमें दोनों स्फेरिकल हैं, इसमें एक स्फेरिकल है, एक प्लेन हो गया, इसमें दोनों स्फेरिकल हो गए, इधर से ये कनकेव है, इधर से ये कन्वेक्स है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ऐसे ही कनकेव में हम करेंगे। तो कनकेव में जो डेफिनेशन है वो क्या है हमारे पास, अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड्स। अब देखो जरा इसको भी बनाने का तरीका, देखो देखो एक आता है इसमें आपको डबल कनकेव लेंस, तो डबल कनकेव लेंस ऐसा बनता है, देखो इधर से देखने पे भी कनकेव और इधर से देखने पे भी कनकेव बनता है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? तो ये कौन सा हो गया हमारे पास, डबल कनकेव कनकेव लेंस, क्लियर। और एक इसमें आता है हमारे पास प्लेनो कनकेव लेंस, कौन सा आता है, प्लेनो कनकेव लेंस। तो प्लेनो कनकेव लेंस क्या मतलब क्या, ये देखो इधर से देखने पे ये प्लेन, इस साइड से देखने पे प्लेन, और इस साइड से देखने पे कैसा दिखे ये आपके पास, कनकेव, ठीक है ना, इस साइड से देखने पे प्लेन और इस साइड से देखने पे कनकेव। तो इस साइड का जो सरफेस है वो ऐसा बनेगा आपके पास, क्लियर, और ये हम इस तरीके से बना देंगे, ये बन गया आपके पास प्लेनो कनकेव लेंस, ठीक है। और तीसरा जो आता है इसमें वो कौन सा आता है आपके पास, कन्वेक्सो कन्वेक्सो कनकेव, क्या आता है हमारे पास, कन्वेक्सो कनकेव लेंस आता है। तो कन्वेक्सो कनकेव क्या मतलब, इस साइड से देखने पे कैसा दिखे वो, कन्वेक्स, तो कन्वेक्स कैसा दिखेगा देखो इस तरीके से, यहाँ से देखने पे, इस साइड से देखने पे कन्वेक्स, और इस साइड से देखने पे कैसा दिखे ये, कनकेव दिखे। तो कनकेव कैसे दिखेगा ये देखो इस तरीके से, इस साइड से देखने पे ये कनकेव, ठीक है, इस तरीके से ऐसे बनेगा ये आपके पास, क्लियर। अब देख लो इसमें भी सेंटर से क्या हो रहा है ये आपके पास, थिन, यहाँ से भी थिन है, यहाँ से भी थिन है, लेकिन एंड से क्या है ये, थिकर है, एंड से क्या है ये, थिकर है, क्लियर है, इतनी बात समझ में आया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपको, अ लेंस विच इज थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एंड्स, और ये वाली डेफिनेशन लेंस वाली भी सही समझ में आ गई होगी, ट्रांसपेरेंट मीडियम है बाउंडेड बाय टू सरफेस, इसके भी दो सरफेस हैं देख रहे हो आप, जिसमें से एक या फिर दोनों सरफेस कैसे होंगे, स्फेरिकल। जैसे इसमें क्या है ये स्फेरिकल है, इसमें एक स्फेरिकल है और एक प्लेन है, और इसमें दोनों ही स्फेरिकल है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, समझ में आ रही है कहानी? अब कनकेव लेंस कैसा होता है हमारे पास, कन्वर्जिंग के डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो कनकेव डाइवर्जिंग है, तो डाइवर्जिंग बना लेते हैं एक बार हम यहाँ पर, ये क्या बनाया देखो मैंने, कनकेव लेंस, और इसमें भी नॉर्मल हम कनकेव बोलेंगे तो ये डबल कनकेव लेंस ही बनता है, क्लियर। यहाँ पर ये क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये इसका सेंटर सी मान लिया हमने, ठीक है। इसमें देखो जरा पैरेलल रेज आएंगी जो प्रिंसिपल एक्सिस के, वो कैसे जाएंगी, रूल तो सेम है, पैरेलल जाएंगी तो फोकस से जाएंगी, लेकिन ये कैसा लेंस है आपको पता है, डाइवर्जिंग, तो डाइवर्ज करेगा ये रेज को इस तरीके से, ये डाइवर्ज करेगा, तो ये जो बैक मीट है ये करेंगे आपके पास कहाँ पर, फोकस पे। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, ठीक है, ये ऐसे स्ट्रेट आनी चाहिए बिल्कुल ही, क्लियर। सेम यहाँ से ये रहेगी पैरेलल, ये भी क्या करेगी, डाइवर्ज, और अगर हम इसको बैक मीट कराएं इस तरीके से, ठीक है ना, तो डाइवर्ज ये इस तरीके से होगी, क्लियर है इतनी बात, यहाँ से दिख रही है आपको, डाइवर्ज कर गई और हमने बैक ट्रेस करी, तो ये कहाँ पर मीट करी है आपके पास, ये फोकस पे। तो फोकस वाला रूल भी ओके हो रहा है यहाँ से, और ये चीज़ें आप क्लास टेंथ की वीडियोस में देख लेना, बहुत अच्छे से समझ में आने वाली हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें ये बताना था ये डाइवर्जिंग लेंस है, तो ये क्या करता है, रेस को डाइवर्ज करता है, क्लियर। तो यहाँ लिख देते हैं हम ये कौन सा है, कनकेव, और क्या बोल देंगे हम इसको, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये डाइवर्ज करता है रेस को, लाइट रेस को क्या करता है, ये डाइवर्ज करता है। क्या इतनी बात क्लियर है, आ रहा है समझ में, ठीक है, कर लोगे ये। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला में हमारे पास तीन केसेस में हमें लेंस फॉर्मूला लेकर आना पड़ेगा। वैसे तो आपने क्लास टेंथ में उसका फॉर्मूला तो पढ़ ही लिया है, 1/f = 1/v - 1/u, लेकिन यहाँ हमें उसको प्रूफ भी करना पड़ेगा किस तरीके से आएगा, तो वो डेरिवेशन हमें करनी पड़ेगी। इसमें कन्वेक्स के दो केस चलेंगे आपके पास, एक रियल इमेज के लिए और एक वर्चुअल इमेज के लिए, और कनकेव का एक चलेगा आपके पास वर्चुअल इमेज का, तो टोटल हो गए तीन केस। तो तीन डेरिवेशन हैं आपके पास लेंस फॉर्मूला की इसमें, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।